देश के बड़े शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए टॉपर को दक्षिणा फाउंडेशन प्रशिक्षित करेगी। इसके लिए फाउंडेशन की तरफ से टॉपर्स के चयन के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश के हर एक जिला में भी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित परीक्षा में हजारों बच्चों ने हिस्सा लिया। मेरिट के आधार पर फाउंडेशन बच्चों का चयन करेगी। चयनित बच्चों को बड़े शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए फाउंडेशन की तरफ से प्रशिक्षित किया जाएगा। परीक्षा में 12वीं कक्षा के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि दक्षिणा फाउंडेशन 12वीं के बच्चों को बड़े संस्थानों में प्रवेश के लिए तैयार करेगी। इसके लिए रविवार को परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा उत्तीर्ण करने व मेरिट में स्थान बनाने वाले बच्चों को आगामी वर्ष के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि ये बच्चे बड़े संस्थानों में प्रवेश पत्र अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। फाउंडेशन के हमीरपुर प्रतिनिधि प्रशांत अरोड़ा ने बताया कि लिखित परीक्षा के टॉपर को संस्था एक साल के लिए निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेगी। आईआईटी एनआईटी जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों में जाने के लिए इन बच्चों को कोचिंग दी जाएगी। बिलासपुर की खेरिया डंपिंग साइट पर तीन पंचायत के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने कूड़ा उतारने नहीं दिया, जिसके तहत शहर में नप की कूड़े से भरी गाड़ियां ज्यों की त्यों ही धरी रह गई। वही हफ्ते के छठे दिन भी लोगों के घरों से कूड़ा नहीं उठा, जिससे कि शहर में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने डंपिंग साइट पर जमकर जिला प्रशासन और नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी भी की। उल्लेखनीय है कि खैरिया बामटा और बल बुलवाना पंचायत के प्रतिनिधियों और लोगों का आरोप है कि खैरिया डंपिंग साइट पर कूड़े के साथ पशुओं को भी जलाया जा रहा है। वहीं इस कूड़े को गोविंद सागर झील में भी फेंका जा रहा है, जिसके कारण आसपास का वातावरण तो दूषित हो रहा है, लेकिन बिलासपुर और पंजाब के लोगों को दूषित पानी भी पिलाया जा रहा है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। वहीं बामटा पंचायत की प्रधान सीमा चंदेल ने नप पर आरोप लगाया है कि नप डंपिंग साइट पर गौओं को जलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले इस डंपिंग साइट को बदलने की बात प्रशासन की तरफ से कही गई थी, लेकिन आज तक इसको नहीं बदला गया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने पुलिस की सहायता से साइट का ताला तोड़ा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इस डंपिंग साइट पर कूड़ा उतने नहीं देंगे, चाहे उन्हें आंदोलन करना पड़े, इसलिए नप कूड़ा डंप करने के लिए अन्य स्थान का प्रावधान करें। हिमाचल सरकार के डोमल रवैये से गुस्साए हजारों बेरोजगार कला अध्यापकों द्वारा बिलासपुर में राज्य स्तरीय आक्रोश रैली निकालकर सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से आए सैकड़ों बेरोजगार कला अध्यापकों ने अपनी मांगों के समर्थन में बिलासपुर में जुटे थे। प्रदेश के बेरोजगार कला अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष मुकेश भारद्वाज ने जानकारी में बताया कि बेरोजगार कला अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी को थक हार कर प्रदेश भर के कला अध्यापकों को एकत्रित होकर बिलासपुर में रोष रैली निकालने को मजबूर होना पड़ा। बेरोजगार कला अध्यापक संघ प्रदेशाध्यक्ष मुकेश भारद्वाज ने बताया कि हालांकि हिमाचल सरकार ने विभिन्न श्रेणी के 3,636 अध्यापकों के खाली पद भरे जाने की हाल ही में मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है, लेकिन हैरानी इस बात की है, राज्य के मिडिल व हाई स्कूलों में कला अध्यापकों के करीब 1400 से भी अधिक पद खाली पड़े हैं, लेकिन बावजूद इसके भी कला अध्यापकों के खाली पदों को भरने के बारे में प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया, जिससे पता चलता है कि हिमाचल सरकार जानबूझकर प्रदेश भर के सरकारी मिडिल व हाई स्कूलों में हजारों की संख्या में लंबे अरसे से खाली पड़े कला अध्यापकों के पदों को भरने के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा रहा है।
बेरोजगार कला अध्यापकों का कहना है कि प्रदेश सरकार से बार बार आग्रह करने के बावजूद इनकी मांग को हिमाचल सरकार द्वारा जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। हिमाचल सरकार कला अध्यापकों के पद नहीं भरे जाने की वजह से मिडिल व हाई स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को कला विषय से महरूम रहना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि हाल ही में होने वाली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अगर कला अध्यापकों के पदों के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया तो कला अध्यापक प्रदेश में उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। जो अब मेरे तो सरकार से एक प्रश्न ये भी है कि वो प्राइवेट स्कूल में जब एक कला अध्यापक नहीं होता है तो उसको क्या करती है, उसकी एप्लीकेशन रद्द कर रही है, और गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो अध्यापक को, कला अध्यापक को डाइंग थिएटर में डाल रही है। आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा बदतर व्यवहार किया जा रहा है? इसके साथ ही जो शास्त्री और एलटी हैं वो भी तो सीएनबी के ही पुर्जे हैं, वो सीएनबी के ही बीच में आते हैं, फिर हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमें क्यों पीछे रखा जा रहा है? जो अभी 3600 कुछ पोस्टें उन्होंने निकाली उसमें हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा है? यदि आने इस विधानसभा सत्र में हमारी मांगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो हम आने वाले एक महीने के अंदर अंदर कोई ऐसा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं कि जिसका जिम्मेदारी पूरी सरकार को उठानी पड़ेगी और उसकी भरपाई हमारी सरकार को ही देनी पड़ेगी। धन्यवाद।